नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, आपको फ्रेश वीडियोस की इंटीमेशन अपने आप मिलेगी। दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक रजिस्ट्रेशन डिस्कस करने के लिए। दोस्तों ये GST में रजिस्ट्रेशन जो बेसिक बात है, यहाँ पर तीन सेक्शंस लगते हैं, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, ये है CGST एक्ट के। हम सबसे पहले सेक्शन 22 की डिस्कशन करेंगे जहां पर ये लिखा है पर्संस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं। पहला सवाल यहां पर जो इस लायबिलिटी की बात आती है तो तीन इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं कि कौन लायबल है, कहां से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है और तीसरा है कब लायबल है, कब रजिस्ट्रेशन लेना है। पहला सवाल कौन लायबल है, तो सेक्शन अपने आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर करता है। एवरी सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जो सप्लाई कर रहा है वो रजिस्ट्रेशन लेगा फ्रॉम द स्टेट इन विच ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई, जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो रजिस्ट्रेशन लेगा। कब लेगा, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20 लाख रुपए से एक्सीड करेगी तब लेगा। दोस्तों अब तीनों सवालों के जवाब हो गए, इनसे आगे फर्दर जो बातें निकल के आती हैं वो आती है कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइंड है और यहां पर भी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 22 में एक लिखी गई है जो एग्रीगेट टर्नओवर को डेफिनेशन देती है, दोनों को इकट्ठा करके पढ़ेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर 2 सबसेक्शन 6 में ये कहती है कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें एक्सपोर्ट सप्लाईज जोड़ो, एग्जम्प्ट सप्लाईज जोड़ो, नॉन लिवेबल सप्लाईज, इवन नॉन लिवेबल टू टैक्स, मतलब जो पेट्रोल और एल्कोहल है वो भी इसमें जोड़ो। फिर उसके बाद सप्लाईज जो है वो एक ही पैन पर जो की गई है वो जोड़ो, वो एग्रीगेट टर्नओवर है। लेकिन सेक्शन 22 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, उसमें लिखा कि एग्रीगेट टर्नओवर में वो सप्लाईज भी जुड़ेंगी जो टैक्सेबल पर्सन कर रहा है, चाहे वो अपने अकाउंट में कर रहा हो या ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स कर रहा हो, मतलब अगर मैं एजेंट हूं और अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई कर रहा हूं तो वो सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर में 20 लाख की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों जुड़ेगी। एग्रीगेट टर्नओवर से दो सवाल और आते हैं दोस्तों दिमाग में, एग्रीगेट रजिस्ट्रेशन कब लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर कब इंक्रीज करेगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए आज अगर जुलाई में मेरी एग्रीगेट टर्नओवर इंक्रीज करती है तो मुझे रजिस्ट्रेशन आज से लेना है, क्या मुझे पिछले 20 लाख रुपए पे भी टैक्स लगाना है? नहीं दोस्तों, मुझे प्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगाना है, जब मेरी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर आएगी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, फ्रॉम एवरी रुपी जहां जो विच एक्सीड 20 लाख मुझे रजिस्ट्रेशन लेकर टैक्स लगाना है। दूसरा सवाल आता है कि ये जो 20 लाख की लिमिट है क्या हर स्टेट में मुझे अवेलेबल होगी थ्रेशोल्ड? आंसर इज नो दोस्तों। अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, 20 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया और वही सप्लाईज या वही काम मैं गुड़गांव से भी शुरू कर रहा हूं, हरियाणा से भी शुरू कर रहा हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट रुपी मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी बनती है दोस्तों। अगला सवाल यहां पर इन्होंने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के ऊपर बात की है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी में ये बहुत ही ब्यूटिफुली डिफाइंड है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की टैक्सेबिलिटी, शेड्यूल 2 में भी लिखा है और नोटिफिकेशन नंबर 12/17 में भी लिखा है कि अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर होता है, चाहे सक्सेशन में होता है चाहे अदरवाइज बिक जाता है, अमेलगमेट होता है, डीमर्ज होता है, जब भी कोई बिजनेस एज गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता है, स्लंप सेल होती है, इकट्ठा सब कुछ ट्रांसफर होता है अलोंग विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होता है, एज गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता है, तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, उसको स्पेसिफिकली एंट्री नंबर 2 नोटिफिकेशन 12/17 में एग्जेम्प्ट दिया गया है। अब मैंने आपको टैक्सेबिलिटी भी बता दी मौके का फायदा उठाकर, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। जो सेक्शन 22 में लिखा है उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बिजनेस ट्रांसफर होता है एज गोइंग कंसर्न होता है, इन सक्सेशन और अदरवाइज होता है, तो ट्रांसफरी को जब भी सक्सेशन होता है या अदरवाइज ट्रांसफर बिजनेस हुआ है, जिस दिन वो हुआ है उस दिन उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। इट मे बी पॉसिबल सिचुएशन की इन परसुएंट ऑफ एन अरेंजमेंट एंड ऑर्डर बाय अ कोर्ट, कोई अमेलगमेशन हो या डीमर्जर हो, जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया इन परसुएंट ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, उस दिन इस अमेलगमेशन और डीमर्जर के केस में ट्रांसफरी कंपनी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है दोस्तों।
यहां पर ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली दोस्तों। सेक्शन 22 की किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, सेक्शन 23 में लिखा है किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। रजिस्ट्रेशन किसको नहीं लेना है, दो व्यक्ति डिफाइन किए गए बताए गए। पहला, वो व्यक्ति जो इंगेज्ड है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, जो नॉट लायबल टू टैक्स है या होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। नॉट लायबल टू टैक्स मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करता है, नॉट लायबल टू टैक्स, या होली एग्जम्प्ट प्रोडक्ट्स गुड्स और सर्विसेज हैं, चाहे वो 2/2017 या 12/2017 नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स रेट में नोटिफाइड है। अगर वो एक्सक्लूसिवली मतलब 100% उसका कोई और बिजनेस नहीं है, सिर्फ वो चावल बेचता है अनब्रांडेड चावल, आटा बेचता है, दाल बेचता है अनब्रांडेड बेचता है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई भी टैक्सेबल सर्विस वो प्रोवाइड नहीं करता, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। अगला एग्रीकल्चरिस्ट है इस कैटेगरी में, वो व्यक्ति जो लैंड कल्टीवेट करता है और उसकी प्रोड्यूस को बेचता है, लैंड कल्टीवेट करके, खुद लैंड कल्टीवेट करके या करवा के अपने सुपरविजन में उसकी प्रोड्यूस को बेचता है, उसको भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट दोस्तों कंपलसरी, कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट उसे नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कैटेगरी ऑफ पर्सन जिनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट सेक्शन हमारे इस डिस्कशन में सेक्शन 24 है दोस्तों, जहां पर लिखा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है मतलब भी सेक्शन 22 में जो हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड, क्या उसके बावजूद भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, भले ही मेरी थ्रेशोल्ड 20 लाख या 10 लाख रुपए टच नहीं करती फिर भी क्या रजिस्ट्रेशन कराना है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस सेक्शन की लैंग्वेज ही शुरू ऐसे होती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 फॉलोइंग पर्सन आर कंपलसरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। अब 12 इंस्टांसेस है दोस्तों, मैं एक एक करके आपके साथ पढ़ रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो व्यक्ति जो इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, इंटरेस्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई। यहां पर एक रिलीफ दी गई कि अगर आप इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं 20 लाख रुपए तक की करते हैं, हालांकि इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई है सर्विसेज की है, 20 लाख तक की आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। अगला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगला है पर्सन जो कि रिवर्स चार्ज में टैक्स देंगे, 9(3) में टैक्स देंगे, मतलब मान लीजिए मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल हूं और मैं किसी एडवोकेट की सर्विस लेता हूं या जीटीए की सर्विस लेता हूं या कोई और ऑथर की सर्विस लेता हूं, सिंगर की सर्विस लेता हूं, तो कंपल्सरली वो सर्विस का जो टैक्स है मुझे रिवर्स चार्ज में देना है, और रिवर्स चार्ज में देना है तो सेक्शन 24 में मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी लेना है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है उन एंटिटीज के ऊपर जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाईज कर रहे हैं, जैसा कि हमने सेक्शन 23 में किया कि भाई एक्सक्लूसिवली जब मैं एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा हूं मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्शन 24 में जैसे ही रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी मेरे ऊपर आती है मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है दोस्तों। उसके बाद है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसके बाद है वो व्यक्ति जो कि स्पेसिफाइड है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं और स्पेसिफाइड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, जो टीडीएस जिन्होंने काटना है उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है दोस्तों। उसके बाद है एजेंट, अगर आप किसी के बिहाफ पर सप्लाई कर रहे हैं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है दोस्तों। उसके बाद है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है दोस्तों। उसके बाद है वो वेंडर्स जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है दोस्तों। उसके बाद है ई कॉमर्स ऑपरेटर इटसेल्फ, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द, ये सारे इंस्टांसेस हम पढ़ रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड 20 लाख और 10 लाख, 10 लाख है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। उसके बाद है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, अगर आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज दे रहे हैं आउटसाइड इंडिया से दे रहे हैं अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो आपको कंपलसरी इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप ऑनलाइन डेटाबेस रिट्रीवल सर्विसेज दे रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी यूट्यूब से कोई चीज डाउनलोड कर रहा है या कोई और स्पेसिफिक ऐप से कोई और स्पेसिफिक वेबसाइट से डाउनलोड इंफॉर्मेशन डेटाबेस रिट्रीव कर रहा है उसके कोई चार्जेस पे कर रहा है
तो अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपिएंट, तो उस सर्विस प्रोवाइडर को कंपलसरी इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है दोस्तों। लास्ट है, उन्होंने कहा कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ क्लास ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, नोटिफाई कर सकते हैं, उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट हो सकती है दोस्तों। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने टोटल डिस्कशन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।